In this question, let log AB base C equals to X, log BC base A equals to Y, and log CA base B equals to Z. Then the value of X, minus Y, minus Z. So, यहां से A, X क्या हो जाएगा? X is log AB base C. Base C. So, we can write it as log A base C, log B base A. Sorry, B base C and Y equals to log BC base A. So we can write it as log B base A plus log C base A and Z equals to log CA base B. So Z equals to log CA base B. So this equals to log C base B plus log A base B. Log A base B. Now, यहां से हम इसको लिख सकते हैं x y z minus x minus y minus z की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है. So x y z minus x minus y minus z equals to. So यहां से हम x is log A base C plus log B base C into y is log B base A plus log C base A base C base A and Z equals to log C base B plus log A base B minus x is log A base C plus log B base C minus Y is log B base A plus log C base A minus z आ जाएगा हमारे पास log C base B plus log A base B. So यहां से सबसे पहले हमें let suppose कर लेते हैं इसको थोड़ा सा easy में लिखने के लिए let log A log C क्या होगा this is log A base C इसको लिख सकते हैं और इसको हमने लिख दिया सपोज दिस इज a अपॉन c सपोज कि हमने लपोट सपोज दिस वन इज log a बेस c इज a अपॉन c ऐसे ही b अपॉन c क्या हो जाएगा log b बेस c इक्वल्स टू b अपॉन c एंड log b बेस a इक्वल्स टू b अपॉन a उनको अपॉन में लिख दिया डिवाइड करके रूप में ठीक है तो बाद में इसको हम कन्वर्ट वापस कन्वर्ट किस में कर लेंगे log में कन्वर्ट कर लेंगे सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सो दिस इक्वल टू a अपॉन c प्लस b अपॉन c a अपॉन c प्लस b अपॉन c इनटू b अपॉन a प्लस c अपॉन a b अपॉन a प्लस c अपॉन a इनटू में c अपॉन b प्लस a अपॉन b c अपॉन b प्लस a अपॉन b माइनस ऑफ This one is A upon C plus B upon C. A upon C plus B upon C minus this value is C upon A plus B upon A. So B upon A plus C upon A minus of B, C upon B plus A upon B. Okay. So this is equals to इसको multiply करेंगे दोनों आपस में so a upon c into b upon a is a से cancel out हो जाएगा ये हो जाएगा b upon c plus b upon c को इससे multiply करेंगे तो ये हो जाएगा b square upon a c plus is a upon c into c upon a is 1 plus b upon c into c plus c upon a is तो आ जाएगा b upon a into में c upon b plus a upon b minus of a upon c plus b upon c plus b upon a plus c upon a plus c upon b plus a upon b ये expression है हमारे पास okay so this is equal to इसको multiply करेंगे दोनों को आपस में तो ये value क्या आ जाएगी c upon b को इससे whole से multiply करेंगे b से b cancel out होगा c से c so this equals to 1 plus c upon b into में b square upon ac तो यहाँ से b और c cancel out हो जाएगा ये हो जाएगा b upon a plus c upon b
प्लस सी अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस, अब हम ए अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए इज वन, क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। ओके तो ये वैल्यू ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करते, बी अपॉन ए से बी अपॉन ए कैंसिल आउट, सी अपॉन बी से सी अपॉन बी कैंसिल आउट, सी अपॉन ए से सी अपॉन ए कैंसिल आउट, सी ए अपॉन सी से ए अपॉन सी कैंसिल आउट, बी अपॉन सी से बी अपॉन सी कैंसिल आउट, ए अपॉन बी से ए अपॉन बी कैंसिल आउट। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, वन प्लस वन इज टू। सो मीन्स एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड वैल्यू इक्वल्स टू टू, क्या आएगी वैल्यू इक्वल्स टू टू वन गिवन दैट एक्स इक्वल्स टू लॉग बी सी अपॉन ए बेस ए एंड वाई इक्वल्स टू लॉग लोग एक्स इक्वल्स लोग ए बी अपॉन ए बी बेस सी एंड वाई इक्वल्स टू लोग बी सी अपॉन बी सी बेस ए एंड जेड इक्वल्स टू लोग सी ए बेस बी देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू टू।